नमस्कार दोस्तों, सीआरडी फॉर बीटीसी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनियम कॉइन के बारे में बताने वाला हूं कि आप कैसे किसी एक्सचेंज से वहां से आप विदड्रॉ कर सकते हैं और अपने पर्सनल वॉलेट में या फिर किसी दूसरे एक्सचेंज में कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस बारे में मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊँगा। तो बताने से पहले एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कॉइन को आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनियम का आपका एक्सचेंज इस टाइप का फेस रहेगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ विदड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर विदड्रॉ में जाना पड़ेगा, ठीक है। और विदड्रॉ में आप जो भी कॉइन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं विदड्रॉ करने के लिए, तो चलिए मैं ETN डालता हूँ, इलेक्ट्रॉनियम का कॉइन। तो ETN का यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनियम का यहाँ पर एड्रेस अमाउंट डालना है, जितना भी अमाउंट आप भेजना चाहें। सपोज दैट आप 100 इलेक्ट्रॉनिक्स के इसमें ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं या फिर 1000, तो यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉनिक्स जो है फी काटती है और बाकी आपको 945 इलेक्ट्रॉनिक्स आपके वॉलेट में चला जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है और नीचे यहाँ इलेक्ट्रॉनियम का एड्रेस डालना है। तो इलेक्ट्रॉनियम का एड्रेस आप किसी एक्सचेंज से भी ले सकते हैं या फिर मेरा यहाँ पर्सनल ETN का एड्रेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनियम का एड्रेस है, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट आपको पेस्ट कर देना है। सेकेंड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको कर देना है पेस्ट। चलिए मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखिए यह पेमेंट आईडी मांगता है, ठीक है। ये पेमेंट आईडी बहुत ज़रूरी होता है डालना, कि पेमेंट आईडी, अगर आप पेमेंट आईडी नहीं डालते हैं तो आपका यहाँ पर विड्रॉ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेमेंट आईडी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता कि पेमेंट आईडी एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए मैं पेमेंट आईडी को कहाँ से निकाला जाता है। आप सबसे पहले आपको एक्सचेंज में चले जाना है, अपना एक्सचेंज में चले जाना है। और यहाँ पर आपको मैं फिर से बैक करता हूँ क्योंकि यहाँ पर पेमेंट आईडी, और पेमेंट आईडी निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर डिपॉजिट में जाना पड़ेगा। हर एक्सचेंज का अपना अलग अलग पेमेंट आईडी होता है और उस पेमेंट आईडी को निकालने के लिए आप डिपॉजिट में जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ रहेगा पेमेंट आईडी। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना करेंसी चूज कीजिए, जो भी करेंसी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो ETN, मैं इलेक्ट्रॉनियम कॉइन को यहाँ पेमेंट आईडी निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ ETN डालने के बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये क्रिप्टोपिया ETN एड्रेस, ये पर आपका ये ETN एड्रेस है और सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे पेमेंट आईडी। जी हाँ, देखो तो पेमेंट आईडी, तो इसी पेमेंट आईडी को आपको यहाँ कर लेना है कॉपी, ठीक है। तो चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेमेंट आईडी को मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, और एड्रेस को भी कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, एड्रेस को भी कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर अपना रख लीजिए। तो यहाँ पर आपका ये पेमेंट आईडी कॉपी कर लीजिएगा, इस एड्रेस को आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको ये सिर्फ आईडी में निकालने के लिए यहाँ पर डिपॉजिट ऑप्शन में गया था, ये आईडी, ये जो नीचे इलेक्ट्रॉनियम एड्रेस है, ये आपका क्रिप्टोविया का इलेक्ट्रॉनियम एड्रेस है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आप इससे विड्रॉ कर रहे हैं दूसरे एक्सचेंज में। तो यहाँ पर सिर्फ आप पेमेंट आईडी को क्लिक कीजिए, पेमेंट आईडी को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप फिर से जाइए विड्रॉ में, ठीक है। और विड्रॉ में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये जो पेमेंट आईडी आपने यहाँ कॉपी किया है, उस कॉपी को वहाँ कर देना है पेस्ट। मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ ETN, इलेक्ट्रॉनियम, नेक्स्ट, और यहाँ पर फिर से अपना अमाउंट डालिए, जो भी आपको अमाउंट डालना है, जो भी ड्रॉ करना है। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉनियम एड्रेस को आप वहाँ से कर लीजिए। चलिए मैं सबसे पहले पेमेंट आईडी को, जो मैंने कॉपी किया था इसका, क्रिप्टोविया का पेमेंट आईडी जो था, ये मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। एक बार मिला लीजिएगा, लास्ट में 64 है, वहाँ पर आपने कॉपी किया होगा तो मिला लीजिएगा, ठीक है। और नीचे चलिए मैं ऊपर में इलेक्ट्रॉनियम एड्रेस को मैं पेस्ट कर देता हूँ,
ये मेरा एड्रेस है, यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी, अब यहाँ पे मैंने कर लूँगा पेस्ट। तो एड्रेस भी पेस्ट हो गया और पेमेंट आईडी पेस्ट कर हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस एड्रेस में यहाँ पर मंगाना चाह रहा हूँ। अब ये मेरा इलेक्ट्रॉनियम का वॉलेट है जो माई इलेक्ट्रॉनियम डॉट कॉम से है, ये मेन इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है, मैं इसमें मंगाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ पेस्ट हो गया। अब सबसे नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंटर पिन कोड, तो पिन कोड वही डालिएगा जो आपका क्रिप्टोपिया का अपना पिन कोड जो आपने सेटिंग किया होगा, 4 डिजिट का पिन कोड वो वहां पर डाल देना है। चलिए मैं पिन कोड डाल देता हूँ, और डालने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर इनसफिशियंट बैलेंस मेरा दिखा रहा है क्योंकि मैंने अपना कर लिया है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का, तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस टाइप का यहाँ एक खुल जाएगा विड्रॉल सबमिटेड, ये आज का डेट में मैंने किया है। तो यहाँ पर एक सबमिट होने के बाद आपके मेल में एक कंफर्मेशन लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है तभी पर ये आपका सक्सेसफुली विड्रॉ हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना काम करने के बाद जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपको जाना है यहाँ पर दिखा दिया मेल पे जाना है, ठीक है। और मेल पे जाने के बाद आपको वहाँ पर कंफर्म कर देना है। चलिए मैं मेल पर जाता हूँ और आपके मेल में इस टाइप का एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जाके कर देना है क्लिक कंफर्म पे, ठीक है। और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा, रिडायरेक्ट होने पर वहाँ पर आपका सक्सेसफुल बता दिया जाएगा। और वहाँ से आपका कंफर्म हो जाने के बाद आपके सामने इस टाइप का यहाँ पर पॉपअप खुल जाएगा, और यहाँ पर जिसने बता रखा है कि विदड्रॉ कंफर्म, योर विदड्रॉ हैज बीन कंफर्म एंड विल बी प्रोसेस्ड इन ए फ्यू मिनट्स, आपके कुछ समय बाद आपका जो है सो आप जितना भी विड्रॉ किए थे आपका वॉलेट आईडी में आपका तुरंत ही इंस्टेंट आ जाएगा। ये मेरा इलेक्ट्रॉनियम का एड्रेस है, इसमें मैंने आज ही जो मंगाया है यहाँ पर देख सकते हैं 190 का मंगाया था, जो आपका फी काटने के बाद 185 का हमको मिला है, ये इंस्टेंटली आपके वॉलेट में अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।